आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के मुरमडे पुल जर्जर के कारण 7 फरवरी 2020 से जिला प्रशासन के निर्देश पर इस पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं 9 महीने तक पुल पर मरम्मती कार्य शुरू नहीं हो पाया था, जबकि पुल पर भारी वाहनों पर लगे प्रतिबंध से सड़क किनारे बसे कई होटल व ढाबों की स्थिति दयनीय हो गई थी एवं कई उद्योग धंधों पर भी इसका असर पड़ा था। वहीं इस पुल की मरम्मत जल्द से जल्द करवाने के लिए सिंहभूम सांसद श्रीमती गीता कोड़ा ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन पर दबाव डाला, जिसके बाद मुरमडी पुल पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं पुल निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न होने के बाद आज सिंहभूम सांसद श्रीमती गीता कोड़ा के निर्देश पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधिवत सड़क मार्ग से सभी वाहनों का परिचालन 10 महीने बाद पुनः शुरू हो गया। वहीं आदिवासी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्व हेम्ब्रम ने कहा कि इस पुल की मरम्मति के लिए सांसद गीता कोड़ा का अथक प्रयास जारी रहा। वहीं श्री हेम्ब्रम ने कहा कि आज पुनः इस पुल के शुरू किए जाने का श्रेय सांसद गीता कोड़ा और कांग्रेस पार्टी को जाता है। क्षेत्र की जनता और पूरे कांग्रेस प्रखंड कमेटी उनको तहे दिल से आभार प्रकट करती है। संवाददाता शिवशंकर साह की रिपोर्ट। मुरमडी पुलिया करीब 1 वर्ष से ये टूटने के कारण ये बंद पड़ी हुई थी। ये बंद होने इसे जिला प्रशासन इस पुलिया को बंद कर दिया था और बंद होने के कारण इस क्षेत्र के जितने भी मैंने ढाबे वाले हुए, होटल वाले हुए और भी कई तरह के धंधा जो चलता था वो बिल्कुल ही पूरा बंद हो गया था, ठप पड़ा हुआ था। इसमें कई होटल वाले ढाबा वाले बेरोजगार हो गए। इसका उनका जब टूटने से बहुत परेशानी हुई तो हमारे सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा जी को मैंने कान में किया, संज्ञान में लिया और गीता कोड़ा जैसे उनका संज्ञान जैसे उनका कान में किया, उनको ध्यान इस पर जानकारी हासिल हुआ, उसने तुरंत एक्शन लेते हुए इस पुल का रिपेयरिंग करने के लिए प्रशासन पर दबाव डाला और दबाव डालते हुए ये शीघ्र मरम्मति करने का काम भी प्रारंभ हो गई और आज जो है ना पूर्ण होकर के कल इनका उद्घाटन भी हो गया और कल से गाड़ी चलना शुरू हो गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग को इस क्षेत्र के इस टाटा टू चाईवासा के जितना भी ढाबे वाला बहुत खुश नजर आ रहे हैं, हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और इसका जी पूरा पूरी श्रेय ये कांग्रेस पार्टी को जाती है और हमारे सांसद श्रीमती गीता कोड़ा को जाती है। इसलिए मैडम गीता कोड़ा को हम लोगों प्रखंड कमेटी की ओर से, प्रखंड कांग्रेस जनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज मुरमडी पुलिया लगभग 1 साल से टूटी हुई थी और इसमें बहुत सारा गाड़ियां जो आना जाना बंद थी, इसमें बहुत हमारे होटल बहुत सारे दुकानें होटलें बंद पड़ी थी जो हमारे यहाँ के रोजगार करने वालों को बेरोजगार हो गए थे और गीता कोड़ा ने इस पुलिया के लिए काफ़ी प्रयास किया और संसद में भी उठाया, जो हम लोग का आज पुलिया मरम्मती हो चुकी है और इसके लिए मैं बहुत बहुत गीता कोड़ा जी को धन्यवाद देता हूँ। सरे सर्व एकदम गीता कोड़ा को जाते हैं हमारे सांसद जी को, क्योंकि वही उसी का देन है पुलिया का बनाने का।